हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो और सी यूनिक पिक यूनिक चैनल। आप सबका स्वागत है फिर से हमारी एक नई वीडियो में। गाइस, आज आपके लिए हम एक स्पेशल चीज़ लेकर आए हैं, एक बहुत ही कमाल की चीज़ लेकर आए हैं। बेसिकली ये गन मैंने मंगवाई थी ऑनलाइन इनविजिबल वन से। एंड गाइस, इसमें खासियत ये है कि ये फुल मेटल गन है, फुल मेटल की बनी हुई है। 9mm का जो पिस्टल आता है उसकी कॉपी है ये। एंड बेसिकली गाइस, ये एक साउंड गन है। सो गाइस, इसको जल्दी से हम अनबॉक्स करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ बॉक्स कंटेंट्स क्या है। और गाइस, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि इसी अनबॉक्सिंग के बाद मैं इसका एक रियल टाइम रिव्यू लेकर आऊँगा आप सभी के लिए। उसके बाद हम इसको शूट करके देखेंगे कि इसकी आवाज़ कैसी है, इसके जो साउंड काउट हैं वो कितने पावर तक के हैं और कैसा इसमें फील आता है। एक रियल गन की तरह आता है या एक, मतलब हम पटाखे चलाते हैं उसकी तरह आते हैं, या फिर एक रियल गन की जो फील है वो आती है इस गन से। ये पिस्टल मुझे कितने की पड़ी है और इसको मैंने कहाँ से परचेज़ किया है, उसके लिए गाइस आपको ये इस वीडियो में बने रहना होगा, क्योंकि मैं इस अनबॉक्सिंग के बाद आपको वो चीज़ बताऊंगा। सो गाइस, बिना वक्त गवाए आप जल्दी से इस बॉक्स को खोलते हैं, इसके बॉक्स कॉन्टेंट्स देखते हैं कि क्या क्या हमें बॉक्स में मिलता है। सो बेसिकली एक बेसिक सा बॉक्स है ये, कुछ ज़्यादा इसमें लेबलिंग हो नहीं रखी और कुछ ज़्यादा अच्छी पैकेजिंग भी हम इसको बोल नहीं सकते, बिकॉज इट्स अ इंडियन मेड पिस्टल और एक एवरेज कंज्यूमर के लिए ही बनी है, कुछ ज़्यादा महंगी है भी नहीं। सो गाइस, इसका बॉक्स खोलते हैं हम। सो गाइस, ये रहा बॉक्स कंटेंट। आपको मैं बता दूं कि इस गन के साथ मुझे दो कॉर्क्स के डब्बे फ्री मिले थे। सो गाइस, ये साउंड कॉर्क है, तो इसको मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। उससे पहले मैं बता दूँ कि ये दो जो कॉर्क के बॉक्सेस हैं मुझे एब्सोल्युटली फ्री मिले, प्लस इसकी जो गन की लीश है आप देख सकते हो गोल्डन कलर की दिख रही है अभी। सो गाइस, जल्दी से इसका मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। सो गाइस, ये कॉर्क का बॉक्स आप देख सकते हैं। इस बॉक्स में 20 हैं, अनदर बॉक्स जो इसके साथ आया है दूसरा, उसमें भी 20 आपको कॉर्क्स मिलेंगे। गाइस, बेसिकली ये जो कॉर्क है इसका आपको अगर मैं खासियत बताऊं तो गाइस, ये ट्रिपल पावर साउंड कॉर्क है। इससे पहले भी मैंने गाइस अनबॉक्सिंग की है, रिव्यू किया है गन्स का, बट उसके साथ जो मैंने कॉर्क मंगवाया था वो आपको डबल पावर का मिलता है। बट गाइस, इसमें देखने वाली बात यह है कि आपको ट्रिपल पावर साउंड कॉर्क्स यहाँ देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इनविजिबल वन का, जिन्होंने ये पैकेज हमें भेजा है और उसके साथ हमें फ्री में 2 boxes ऑफ साउंड कॉर्क्स फ्री दिए हैं बिल्कुल भी। एंड गाइस, आपको मैं एक चीज़ सुजेस्ट करना चाहूँगा कि जब भी आप इस बॉक्स को यूज़ करें या इस गन को यूज़ करें, तो इसके जो कॉर्क्स हैं उसको आप 2-3 दिन के लिए धूप में रखिए, ताकि जो इनका कॉर्क है वो मतलब एक अच्छी तरह शूट आप उसको जब करें तो वो अच्छी तरह ब्लास्ट हो, उसका अच्छी तरह स्मोक निकले या स्पार्क निकले। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ गाइस, जब भी ये शिप होते हैं, जब भी इनकी पैकेजिंग होती है, तो गाइस इनको वेट पैकेजिंग में रैप किया जाता है कि इसमें इससे कोई ट्रेजिडी ना हो। सो गाइस, मेरी एडवाइस हमेशा यही रहेगी आप लोगों की, आप इसको अपने छत पे धूप में मतलब दो दिनों के लिए आप इनको रखें एंड उसके बाद ही आप इसको यूज़ करें। सो गाइस, हेयर्स आर गन, इसको निकाल लेते हैं हम इसके रैपर से बाहर। ये गाइस इसकी लीश है। बेसिकली गाइस, लीश का काम होता है कि जब भी आप गन चला रहे हैं, अगर बाय एक्सीडेंट ये आपकी गन जो है वो नीचे गिरती है, तो आपकी गन डैमेज ना हो इसलिए आपको स्लिंग दी जाती है। तो आपने देखा होगा काफ़ी जो असली गन होती हैं जो इंडियन ऑर्डिनेंस के थ्रू आपको मिलती है, उनमें ये लीश आपको साथ में मिलती है। सो गाइस, बेसिकली यही इसका यूज़ होता है कि जब भी आप यूज़ कर रहे हो गन और गन कभी ड्रॉप ना हो, तो इसलिए आप इसको होल्स्टर में अटैच करके रख सकते हो, जो गन का होल्स्टर होता है। सो गाइस, हियर्स द गन। एज यू गाइस कैन क्लियरली सी, जो गाइस इसमें मैं सबसे पहले तारीफ करना चाहूँगा, जो इसमें कलर है गाइस, जिसका जो कलर ग्रेडियंट है वो काफ़ी अच्छा है, वो ब्लैक कलर का है, प्लस मैट फिनिश आपको यहाँ देखने को मिलती है। गाइस, इससे छोटे मॉडल्स भी थे एंड इससे महंगे मॉडल्स भी थे। सो गाइस, दिस इज़ द मीडियम वन। एंड मैं बताना चाहूँगा कि ये देखने में गाइस आपको एक पूरा एक रियल वेपन की तरह लगेगा। 9mm का है पूरा इसका जो लुक है, 9mm पिस्टल जो आती है बरेटा की, उसकी ये कॉपी है, यहाँ आपको देखने को मिलती है। यहाँ आप देख सकते हैं पूरा एक रियल का लुक इन्होंने देने की पूरी कोशिश कर रखी है। अगर आप इसको करीब से देखेंगे तो यहाँ पे आपको इसका जो मैगजीन निकालने का जो इजेक्टर होता है वो भी आपको यहाँ पे उसका डमी बना के दे रखा है। सो गाइस, बेसिकली शो के लिए इसको दबाने से इसकी मैगजीन निकलेगी नहीं, बट गाइस ये देखने में बहुत शानदार दिखता है। आप जैसे देख सकते हैं पूरा ये मेटल की गन है गाइस, ये पूरा मेटल है।
एंड गाइज इसको पकड़ते हुए भी ये आधे किलो की तो मुझे लग रही है गाइज, इसका जो वेट है वो भी काफ़ी अच्छा है एंड बिल्कुल बैलेंस है ये, मतलब गन आगे और पीछे से इसका जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी बिल्कुल एक कमाल का है। और गाइज आप इसको अगर फ्रंट से भी देखेंगे सो गाइज काफ़ी गन्स मैंने देखी जो कॉर्क वाली होती हैं बेसिकली, उसको क्या करते हैं लोग अंदर से ब्लैकआउट नहीं करते गाइस, लेकिन इसमें अच्छी बात मुझे ये लगी कि कंपनी वालों ने, बनाने वालों ने इसको अंदर से भी कलर किया है ब्लैक कलर का, ताकि ये पूरी आपको ओरिजिनल की लुक दे, चाहे आप इसको शूट कर रहे हो, फिल्म बना रहे हो इसके साथ, या कुछ भी कर रहे हो, कुछ एक्टिविटी कर रहे हो, लेकिन आपको ये पूरी एक रियल गन की लुक देगी। सो गाइस बेसिकली काम क्या होता है कॉर्क गन लेने का और किन किन लोगों को एक कॉर्क गन लेनी चाहिए। सो गाइज बेसिकली जो काम होता है वो फार्मर्स के लिए ठीक रहती है कि जब कौवे वगैरह उड़ाने होते हैं उनको, पक्षी उड़ाने होते हैं, ताकि वो जो क्रॉप्स होती है उनको हार्म ना करे या क्रॉप्स को ख़राब ना करे। सो गाइज इसका बेसिक रीज़न यही है, बेसिकली बनी हुई है फार्मर्स के यूज़ के लिए थी, बट आजकल क्या है कि आजकल शादियों में भी लोग इसको चलाते हैं, दिवाली पे भी इसको काफ़ी यूज़ करते हैं। सो गाइस अब बात करते हैं हम इसके मैकेनिज्म की, ये गन चलती कैसे है। सो गाइस कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, कोई भी इसको, बच्चा या बूढ़ा, कोई भी उम्र का इसको चला सकता है, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ है नहीं इसमें। सो गाइस अगर आप देख रहे हैं तो पीछे की साइड इसको एक लीवर दे रखा है, इसको गाइस आपको सिर्फ नीचे को पुल करना है आराम से, ठीक है। इससे क्या होगा कि ये लोड हो जाएगी, इसमें क्या है कि एक पिन है, एक छोटी सी पिन है जो कि जैसे आप इसका ट्रिगर पुल करते हैं तो वो रिलीज होती है और आगे जाके जो हमारा कॉर्क होगा उसमें हिट करेगी, जिसके प्रभाव से स्पार्क निकलता है, एक ब्लास्ट होता है। सो गाइस आगे अगर देखेंगे तो एक पिन है जो पीछे जा चुकी है इसको पुल करने से, और कुछ नहीं करना आपको, बस इसको बस ट्रिगर को दबाना है जिससे कि आपका जो कॉर्क होगा वो ब्लास्ट हो जाएगा। मैं आपको अगर एग्जाम्पल की तरह बताऊं तो ये कॉर्क होगा, ठीक है, एंड ये हमारी, ये अभी अंदर इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि मैंने इसको पुल किया नहीं है, तो आपको सबसे पहले इसको पुल करना पड़ेगा। इसको पुल कर लिया हम लोगों ने, कॉर्क को डाल दिया अंदर। नाउ इफ आई पुल द ट्रिगर, जो धमाका होगा, जो कॉर्क के प्रभाव से जो साउंड होगा वो आप क्लियरली सुन सकेंगे, लेकिन अभी मैं अंदर कहीं शूट कर रहा हूं तो मैं यहाँ पे इसको आपको चला के दिखाऊंगा नहीं, इसके लिए आपको पूरी वीडियो में बने रहना पड़ेगा, क्योंकि एंड में मैं आपको इसकी शूटिंग का भी पूरा अच्छी तरह दिखाऊंगा कि आप इसको रियल लाइफ में कैसे आप इसको शूट कर सकते हैं। सो गाइस ये जो मैकेनिज्म है इसको आपने पीछे किया है, एंड आपको इसको जब पुल करेंगे, इसका जो ट्रिगर दबाएंगे, तो उससे ये नॉर्मल गन की तरह जो एक ओरिजिनल गन होती है, एक ओरिजिनल इंडियन ऑर्डिनेंस के थ्रू जो गन आपको मिलती है उसकी तरह ये एक्ट करेगी, एक प्रॉपर ओरिजिनल 9mm गन की तरह। अगर आप इसको कवर पे भी रख लेंगे तो मेरे ख्याल से कोई पहचान नहीं पाएगा कि आपने एक टॉय पकड़ा है, एक ओरिजिनल गन। ऐसा गाइस मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गाइस इसमें जो बात है पूरे ओरिजिनल पिस्टल की है, आप देख सकते हैं पूरा मैट लुक में आ रही है, क्योंकि जो मैं देखता हूँ जो कॉर्क होती है बेसिकली, जो मेरे फ्रेंड्स के पास कॉर्क गन्स है उसमें जो फेकनेस होती है वो साफ साफ दिखती है। एक तो वो साइज में छोटी होती है, प्लस उसमें जो कलर होता है वो होता तो ब्लैक है लेकिन काफी शाइनी होता है। सो गाइस मैंने वेबसाइट में भी देखे थे कुछ ऐसी पिस्टल्स जो थी साइज में छोटी, ठीक है, इससे सस्ती थी, एंड गाइस उसमें जो कलर था वो शाइनी सा मुझे ज्यादा लग रहा था। सो गाइस इस वजह से भी मैंने सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसी गन लेते हैं जो दिखने में एटलीस्ट रियलिस्टिक लगे। एंड गाइस इसका फायदा भी ये है कि इसमें ज्यादा साउंड आता है एज कम्पेयर टू द स्मॉलर वन। सो गाइस दिस इज द बेटर चॉइस जो मुझे लगा कि लेनी चाहिए। एंड गाइस बिना वक्त गवाए दिखाते हैं आपको ये हमें गन कितने की पड़ी है एंड कहां से हमने ली और आप लोग इसको कहां से ले सकते हैं। सो गाइस स्टे ट्यून्ड। सो गाइस आई एम बैक अगेन। जैसे आप लोग देख सकते हैं मेरे सामने है मेरा लैपटॉप। सो गाइस यहां हम कंपेयर करने वाले हैं दूसरी गन्स को जो अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, उनके प्राइसेस को कंपेयर करेंगे हम इस वाली गन से। सो गाइस ये वाली गन जो है ये मुझे 1800 रुपए की पड़ी है, 799 रुपीस का इसका जो प्राइस है वो वेबसाइट पे लिस्टेड है, प्लस 200 रुपीस जो डिलीवरी चार्जेस हैं वो होते हैं साथ में। एंड गाइस अगर हम बात करें तो इसके साथ हमें देखने को मिलती है इसकी लीश, जिसको आप अपने गन होल्स्टर में या अपने बेल्ट के साथ लगा सकते हैं जिससे आपकी गन गिरे ना। ये गाइस इसके साथ एब्सोल्युटली फ्री मिलता है आपको, प्लस गाइस इसके साथ आपको कॉर्क के बॉक्सेस मिलते हैं, 2 बॉक्सेस आपको यहाँ देखने को मिलते हैं, पर बॉक्स में आपको 20 कॉर्क्स फ्री मिलती हैं। सो गाइस अराउंड ये 250 रुपये का बॉक्स पड़ता है अगर आप इसको ऑनलाइन लेंगे, लेकिन गाइस अच्छी बात यह है कि इस गन के साथ आपको 500 रुपये के कॉक्स फ्री मिलते हैं, एब्सोल्युटली फ्री मिलते हैं, जो गाइस मुझे बहुत अच्छी बात लगी, इस वजह से मैंने यहाँ से इस गन को लिया। गाइस इससे जो छोटी गन्स आती हैं
जो अराउंड 300 से 350 ग्राम के बीच जिनका वेट रहता है। साइज में भी इस वाली गन से काफी छोटी होंगी, मतलब आप देख लीजिए कि इतनी छोटी वो गन आपको मिलेगी, प्लस उसका जो हैंडल होगा यहाँ ग्रिप होगी वो भी छोटी रहेगी। एंड गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अलावा और कौन कौन से मॉडल्स अवेलेबल रहते हैं वेबसाइट पर। सो गाइस यहाँ पे दो गन है, एक ब्राउन एंड ब्लैक कलर की है, जो सबसे छोटा जो मॉडल रहता है गाइस इस गन से बहुत छोटा है वो, और वो आपको मिलेगा मेटल में, प्लस उसका जो प्राइस रहेगा वो रहेगा 1300 रुपये का। सो गाइस बाकी एक दूसरी है बरेटा की स्टाइल में, आपको एक मैट लुक वाली आपको इसमें गन मिलेगी, वो इससे छोटी रहेगी, उसका रेट आपको 1400 रुपये का पड़ेगा। सो गाइस आप देख सकते हैं इनकी वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो गाइस अगर हम बात करते हैं कि दूसरी वेबसाइट से मैंने इसको क्यों नहीं लिया, सो गाइस दिमाग में सबसे बड़ा नाम आता है जब भी आप कोई एयर गन या फिर कोई कॉर्ड गन लेने की बात करें, तो गाइस एयरसॉफ्ट गन इंडिया का नाम आता है। इनकी वेबसाइट पे ये जो सेम गन है गाइस ये आपको मिलती है अराउंड 3500 की। सो गाइस जो मैं मानता हूँ कि गाइस ये ओवर प्राइस्ड रेट्स हैं जो इनकी तरफ से आते हैं। सो गाइस बाकी सारी सेट्स का अगर आप देखेंगे तो आपको अबव 2000 रुपीस ही ये गन पड़ेगी। सो गाइस इट्स अ बिग अमाउंट जो मैं चाहता नहीं हूँ कि एक कॉर्ड गन के लिए आप लोग पे करें। सो गाइस दैट्स व्हाई मैंने यहाँ से इस गन को परचेज किया है। एंड गाइस अगर आप चाहते हैं कि ये कॉक्स के बॉक्सेस आप अलग से मंगवाना चाहते हैं तो गाइस उसका भी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो गाइस यही एक वेबसाइट ठीक लगी जो मैं अपने हिसाब से अगर आपको बताऊं। सो गाइस आई विल नॉट रिकमेंड यू टू बाय दिस गन फ्रॉम अनदर वेबसाइट बिकॉज वहां पे बहुत कॉस्टली रहता है ये गन का रेट। सो गाइस चलते हैं अब हम इस गन की शूटिंग की तरफ, इस गन की फायरिंग की आपको झलक दिखाते हैं कि ये गन चलने में कैसी है, क्या इसमें एक रियल गन का जो फील आता है वो आपको आएगा या नहीं आएगा। सो गाइस कीप वॉचिंग। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो सो गाइज इस वीडियो को प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, यानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी यूनिक चीजों की वीडियोस आप सभी के लिए लेकर आते रहें। सो गाइज कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।